तो ये हम जो ये आजादी यहां से इतने छोटे छोटे रियासतों को राज्यों को वल्लभ भाई पटेल जवाहरलाल नेहरू जी ने मिलके देश को एक कर दिया, ये हमारी देन है। देश के संविधान, देश को संविधान किसने दिया, किसने दिया भाई? अरे डॉक्टर अंबेडकर ने दिया, कांग्रेस ने दिया। कौन दिया? कांग्रेस ने दिया। हमारे को पूछते तुमने 53 साल में क्या किया, ये किया, संविधान दिए, लोकतंत्र दिए, सब रियासतों को एक करके मजबूत हिंदुस्तान बनाए हम। और आईआईटी किसने दिया, आईआईएम किसने दिया, एम्स किसने दिया, इसरो किसने बनाया, डीआरडीओ किसने बनाया, एचएएल किसने बनाया, बीएल किसने बनाया, ओएनजीसी किसने बनाया, सेल किसने बनाया? अरे इतने पब्लिक सेक्टर हमने बनाए और आज भी हैदराबाद में इतने पब्लिक सेक्टर जो हो गए वो पंडित जवाहरलाल नेहरू की देन और कांग्रेस की देन है। ये हम करते मजबूती का काम, लोगों को सिर्फ पैसे बांटना या कुछ इलेक्शन के देना ये हमारा काम नहीं। हम देश के लिए मजबूती के साथ हमने दिया। जिस देश में एक सुई तैयार नहीं होती थी, एक सुई, एक बोल्ट नट नहीं बनता था, लेकिन हमने करके दिखाया। इस देश में बड़े बड़े कारखाने लगाए बनाकर, हर स्टेट में, हैदराबाद हो, बेंगलुरु हो, मुंबई हो, कलकत्ता हो, दिल्ली हो, कानपुर हो, हर जगह हमने बना के दिया। ये कांग्रेस की देन है। सिर्फ हमारा पुकारना, चिल्लाना और कहीं भी गए कांग्रेस के खिलाफ बोलते थे। कांग्रेस के खिलाफ क्यों बोलते भाई? आपने कोई ऐसा बड़ा कारखाना किया है? अरे जिस देश में ये खाने के लिए अन्न नहीं मिलता था, उस देश में आज इतना अन्न का भंडार हो गया है, गोदाम में भर के आज सड़ रहा है। इसीलिए सोनिया गांधी जी ने फूड सिक्योरिटी एक्ट लाकर उन्होंने गरीबों को 35 केजी देने का उन्होंने काम किया 3 रुपए में। ये अन्न ये किसने किया? अरे हम जो पहले किए, ये लोग जो राज्य में रहते अपोजिशन पार्टी के लोग, उसको 2 रुपए 3 रुपए जोड़ के मैं फ्री कर दिया। अरे भाई हम तो 22 रुपए दे रहे, तुम तो 3 रुपए दे रहे, 3 रुपए दे के मैंने फ्री कर दिया। कोई बात इसीलिए आपको बोलना है, ये सब आपको बताना है।